नेक्स्ट टेक्निक है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये भी एक आर्टिफिशियल टेक्निक है, जब अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी, पहली टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरी हो गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, अब है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक। इसको गिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गिफ्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको गिफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है लिखेंगे, आफ्टर कलेक्टिंग स्पर्म एंड ओवम, फ्रॉम डोनर फ्रॉम डोनर डोनर्स दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर इंटू द फैलोपियन ट्यूब। दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर इंटू द फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, इसमें और इसमें आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक में क्या फ़र्क है? देखो, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक में फ़र्क इतना है कि इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक में हस्बैंड का इरेक्शन नहीं हो पाता है पेनिस का, लेकिन यहाँ पे केस अलग हो जाता है गिफ्ट में। मान लो किसी के हस्बैंड में स्पर्म ही नहीं बनते, इरेक्शन तो होता है, स्पर्म ही नहीं बनते, तो टेस्टिस ख़राब है मान लो, तो जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो तो इनफर्टाइल है ना, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे के स्पर्म हिट कराए जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, किसके साथ? उसकी बीवी के साथ या फिर डोनर के साथ, समझ आ रहा है? या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, हस्बैंड तो ठीक है स्पर्म बनने, लेकिन उसकी बीवी के ओवा नहीं बन रहा या उसकी ओवरी ख़राब है, समझ आ रहा है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी सिस्टर से, यानी कि बच्चा जो होने जा रहा है अपनी खाला से या मौसी से क्या लेगा भाई? ऐसी कंडीशन में उसको क्या होगा, अब सुनो इसमें फ़र्क क्या है, गिफ्ट में क्या होता है, किसी आदमी के स्पर्म ख़राब है, इसकी बीवी के मेल के हस्बैंड के स्पर्म नहीं है, और फीमेल के अंदर ओवा बिल्कुल ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ओवा को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाएगा, और इस केस में क्या होगा, स्पर्म लिए जाएंगे अपने परिचित के, कोई भी इनका जानने वाला होगा उससे स्पर्म इन्होंने ले लिया। तो ये क्या किया इन्होंने, लिया ना गिफ्ट, गिफ्ट बतौर। अब ऐसे ही क्या होता है, उल्टा कर लो, मेल बिल्कुल ठीक है स्पर्म ठीक है, लेकिन ऐसी फीमेल क्या नहीं है, ओवा नहीं बना पा रही है, तो इस कंडीशन में इस मेल के स्पर्म और इस फीमेल के अगर ओवा नहीं बन रहा है तो किसी भी जानने वाले से जो दे सके स्पर्म क्या करा देंगे, ले लेंगे ओवा को, और इसमें बीच में क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। तो इसी कंडीशन को फिर अब जो बना बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि होता क्या है यहाँ पे, गिफ्ट में क्या होता है, गेमेट को ट्रांसफ़र कराते हैं डायरेक्ट, समझ आ रहा है? तो ये हमने जो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, अगर ये हमने इस तरह से टेस्ट ट्यूब में कर दिया तो ये आ जाएगी किस में, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली कंडीशन में। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि टेस्ट ट्यूब में ना लेके दोनों के ओवा को और स्पर्म को लेकर डायरेक्ट कहाँ डल लगा देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। तो समझ में आया इसमें और इसमें फ़र्क, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक में और इसमें फ़र्क? आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन में दोनों मियाँ बीबी के क्या होंगे, स्पर्म और ओवा होंगे। ये कंडीशन तब बनेगी जब मियाँ बीबी क्या नहीं है, उनमें से एक इनफर्टाइल है, तो तब क्या यूज़ किया जाएगा, इसीलिए इसको गिफ्ट भी कहा जाता है, गिफ्टेड, या तो स्पर्म किसी से गिफ्ट लेंगे आप या फिर ओवा गिफ्ट लेंगे, समझ में आया? तो ये आपका गिफ्ट है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होगा, आफ्टर कलेक्टिंग द स्पर्म और ओवम फ्रॉम द डोनर्स दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। डायरेक्टली लेकर स्पर्म और ओवम गेमेट डाल देंगे।
अपने आप फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाएगा ब्लास्टोमिया, ब्लास्टुला, मोरुला जो भी बनेगा, यूट्रस में बच्चा होता जाएगा। इतना समझ में आया? तो गिफ्ट में यही होता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात और है, लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल, मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं कराएंगे। अगर ऐसा कराया आपने और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा दिया तो फिर वो गिफ्ट में नहीं माना जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी मानी जाएगी वो। समझ में आया? हाँ। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा कि लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन, स्पेशली लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन अकर बाई आर्टिफिशियली, लेकिन इसमें एक बात और है, बच्चा बेसिकली किसका ही होगा, डीएनए अगर टेस्ट करेंगे जिससे आपने क्या लिया है, स्पर्म या ओवल, या उसी का बच्चा माना जाएगा। इसीलिए अब क्या करते हैं, बहुत से लोग दे देते थे पहले, फिर क्लेम कर दिया करते थे कि ये बच्चा मेरा है। अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑन रिटन पेपर पर बात चलती है, भाई ये आप दे रहे हैं, आप इसका बाद में क्लेम नहीं करेंगे, इसका सबूत हमें दे दीजिए, तो वो लिख के दे देते हैं। ठीक है, आमतौर से बच्चे की खाला ने दिया हुआ होता है या फिर उधर चाचा ने दिया हुआ होता है, या ताया ने दिया हुआ होता है। समझ में आया? गिफ्ट आपका हो गया ख़त्म।